नमस्कार दोस्तों, आप सबों के बीच आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 7.3 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 1, 2, 3 कोमा -1, 0, फिर है 2 और -4, 2 में है -5, -1, फिर 3 और -5, फिर 5 और 2। एक नंबर यहाँ दिया हुआ है कि 2 -3 -1, 0, 2 -4 क्या करें, त्रिभुज के शीर्ष है। तो एक हम त्रिभुज छापते हैं ABC, और शुरू में है इसको हम ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं। शुरू वाला हमारा ए होगा, यानी कि ए का मान 2 और 3 होगा, बी का मान -1 और 0 होगा, और सी का मान 2 और -4 होगा। अब है क्या, शुरू वाला हम X1 मानते हैं, ये Y1 होता है, ये होगा X2, ये होगा Y2, ये होगा X3, ये होगा Y3। अब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1 by 2 into X1 into Y2 minus Y3 plus X2 अब आएगा Y3 minus Y1 into plus X3 into Y1 minus होता है Y2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम पुट करते हैं, 1 by 2 into X1 का वैल्यू कितना है 2 into Y2 का वैल्यू कितना है 0 minus Y3 मान कितना है -4, तो माइनस हो जाएगा 4। ब्रैकेट में फिर लिख लो प्लस के प्लस, फिर X2 का वैल्यू में देखें कितना है -1, फिर इंटू Y3 वैल्यू कितना है -4, माइनस Y1 का वैल्यू कितना है 3, फिर लिखा है X3 का वैल्यू कितना है 2, इंटू Y1 का वैल्यू कितना है 3, माइनस Y2 का वैल्यू कितना है 0। 1 by 2 को 1 by 2, 2 को 2, 0 0, अब -- दोनों मिलकर के +4, फिर +- दोनों हो जाएगा माइनस, 1 का 1 -4 और -3 हो जाएगा -7। अब जोड़ 2, 3 में 0 खरीद, मतलब कितना बचेगा 3। 1 by 2 को 1 by 2, 2 के 2, 0 4, मतलब गुना कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट हट जाएगा, -1 और फिर माइनस गुना होगा 1 और 7 हो गया +7, प्लस द्वितीय कितना हो जाएगा 6। अब इसका 1/2 के 1/2, 4 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 8 और जोड़ 7 जोड़ 6, जोड़ेंगे इसको हम 1/2 के 1/2, 8 7 15 15 6 21, यानी ऊपर से गुना आ जाए 21 गुना 1 21 बटे 2, ए इसका आएगा आंसर, यानी कि 21/2 वर्ग मात्र, ये हमारा इसका आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर त्रिभुज का शीर्ष का मान दिया, यानी कि फिर त्रिभुज हम खींचेंगे ABC, ए का मान कितना है -5 और -1, बी का मान कितना है 3 और -5, और सी का मान कितना है 5 और 2। हो गया त्रिभुज का शीर्ष ABC, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब शुरू वाला इसको हम X1 लेंगे, फिर इसको हम क्या Y1 लेंगे, फिर हमारा होगा X2, फिर हमारा क्या होगा ये Y2, फिर हमारा ये X3, फिर हमारा क्या होगा ये Y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 into X1 into Y2 minus Y3 plus X2
वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ये इसका होता है फार्मूला। अब इसको हम बैठाते हैं, एक बटे दो के एक बटे दो, एक्स वन, एक्स वन का मान यहाँ माइनस पाँच इंटू वाई टू, वाई टू का मान माइनस पाँच माइनस वाई थ्री, वाई थ्री का मान दो तो यहाँ दो आएगा, प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना है तीन, वाई थ्री, वाई थ्री का मान कितना है दो, माइनस वाई वन, वाई वन का मान कितना है माइनस पाँच, माइनस वन प्लस पाँच, फिर एक्स थ्री, एक्स थ्री का मान पाँच, वाई वन, वाई वन के यहाँ माइनस एक, माइनस वाई टू, वाई टू के मान है माइनस पाँच, माइनस प्लस यहाँ जाए प्लस पाँच। अब इसको हम पुट करेंगे, वन बाई टू के वन बाई टू, माइनस पाँच के माइनस पाँच, माइनस पाँच और माइनस दो हो जाएगा इसका माइनस सात, प्लस तीन के तीन और तीन पाँच दो कितना हो जाएगा सात, पाँच के पाँच, पाँच में एक खर्च कितना हो जाएगा चार। अब इसका वन बाई टू के वन बाई टू, ये दोनों गुना हो जाएगा ब्रैकेट में, पाँच सतह पैंतीस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पैंतीस, ये दोनों तीन सतह इक्कीस, और जोड़ ये हो जाएगा पाँच चौका बीस। अब इसको हम एक बटे दो को एक बटे दो इसको जोड़ते हैं, जीरो एक पाँच कितना हो गया छः, फिर दो दो चार और तीन सात, छिहत्तर हुआ। अब एक बटे दो छिहत्तर कट जाएगा अड़तीस बार में, यानी अड़तीस गुना एक अड़तीस वर्ग मात्रक, ये इसका होगा आंसर। थैंक यू।